तो कुंडली में शुक्र चंद्रमा एक साथ हो, सूर्य केतु एक साथ हो या फिर सूर्य राहु एक साथ हो, तो ऐसे लोगों को पंडित जी बताइए कि किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। देखिए, सूर्य और राहु जब दोनों एक साथ होंगे तो ग्रहण दोष होगा। ऐसा जिस किसी की कुंडली में होगा, पहली बात, अगर ये दोनों ज्यादा नजदीक होंगे तब तो मान के चलिए कि पिता का सुख न के बराबर होगा, पिता बाल्यकाल में ही ऊपर सिधार जाएगा। लेकिन अगर दोनों के डिग्री में अंतर है, 12 डिग्री से ज्यादा अंतर है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पिता के जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा, पिता के जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा। और जब भी राहु में सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य में राहु की अंतर्दशा आएगी तो पिता को शारीरिक कष्ट जरूर होंगे। सूर्य और राहु की युति ये आत्मबल को कमजोर करता है। ऐसा व्यक्ति जानता तो सब कुछ है लेकिन 10 लोगों के बीच में अगर उसे बोलना है तो वो बोल नहीं पाता है। हेजिटेशन इतना ज़्यादा उसके अंदर भर जाता है कि वो अपनी बातों को कह नहीं पाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर अपने आमूल चूल इस योग को बदलना है तो प्राणायाम करें। और कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें 15 सेकेंड तक बाई नाक से सांस को खींचा जाता है, 60 सेकेंड तक सांस को रोका जाता है और 30 सेकेंड तक दाहिनी नाक से श्वास को बाहर निकाला जाता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप 5 बार रोज करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करें 6 महीने के बाद आपका आत्मविश्वास हिमालय पर चढ़कर बोलेगा। आप करके देखिए, अगर ये अनुभव सत्य सिद्ध ना हो तो आप बिल्कुल टीवी पे कहिएगा कि आप झूठ बोलते हैं, आपका अनुभव गलत है। चाहे जितना ज्यादा सूर्य राहु का ग्रहण दोष आपको प्रभावित कर रहा हो, चाहे जितना आप हीन भावना के शिकार हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। लेकिन हाँ, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे अच्छा है और हो सके तो 108 दाने की 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में और 12 मनकों की एक ब्रासलेट दाहिने हाथ की कलाई में, ये जरूर आपको धारण करना चाहिए। भगवान शिव और माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। शिव की उपासना में ओम जूम सह इसका श्वास पर जप करना चाहिए और माँ दुर्गा की उपासना में नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी श्वास पर जप करना चाहिए। अगर ये जप 108 बार नित्य नियम से सुबह शाम होने लगे तो आपकी जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। शिव महिम्न स्त्रोत और शिव तांडव स्त्रोत या महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आपके लिए सहायक है। अब इसी क्रम में सूर्य और केतु की युति होने पर, सूर्य और केतु की भी युति जब होती है और खास करके अगर लग्न में हो जाए तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज, दिमाग में पानी का ज़्यादा भर जाना, ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाना, मिर्गी का रोग होना, ये सब मतलब कि बुरी चीज़ों के संकेत हैं। लेकिन अगर मेष राशि और सिंह राशि हो तो इस दोष में, मेष लग्न और सिंह लग्न हो तो इस दोष में कमी आती है। तो सूर्य केतु की युति होने पर हर रोज या रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। रविवार को गुड़ का सेवन करना चाहिए, हो सके तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। कुत्ते को भी खाना खिलाना चाहिए और पंछियों को भी सतंजा डालना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों की युति हो तो ऐसे लोगों को चांदी का आभूषण धारण करना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होगी।
डस्ट एलर्जी हो सकती है, कोल्ड एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इससे आदमी को शीत कोल्ड प्रकृति, शीत प्रकृति बन जाती है। तो इससे बचने के लिए निश्चित रूप से प्राणायाम सहायक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसके लिए सहायक है। जय माँ विंध्यवासिनी।